हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर 2024 बैच के आईनेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट डेट के बारे में, और उसके साथ हम बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आने के बाद स्टेज टू आपकी कब होगी। स्टेज टू के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी स्टेज टू और रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लोगे तो आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आपको रिजल्ट की अपडेट सबसे फास्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। उसके साथ इंडियन नेवी की भी प्रॉपर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना है आपको। उसके साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहां पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी अपडेट आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से। और उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप को कर लोगे ज्वाइन तो वहां पर कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो, डाउट अगर आपके मन में हो तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उसी के साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप कहां से हो और आपने एमआर के लिए अप्लाई करा था या एसएसआर के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो भी मैं आपको बताऊंगा ना वो प्रॉपर डाटा के साथ बताने वाला हूं जो प्रीवियस टाइम में हुआ है और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर या 30 दिनों के आसपास जो है रिजल्ट रिलीज करने की ये प्रोसीजर है जो इंडियन नेवी और सीडैक करती है। अगर आप उनके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो भी 30 डेज मेंशनड होते हैं, ठीक है। तो ये 30 दिनों की बात तो यहाँ पे हो गई, यानी 1 मंथ। अब अगर 1 मंथ देखते हैं तो 1 मंथ कब से काउंट करा जाएगा, जो लास्ट डेट होती है एग्जामिनेशन की वहां से 1 मंथ। तो अगर 15 जुलाई लास्ट डेट थी, इस बार 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया गया इंडियन नेवी और सीडैक के द्वारा, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त 1 महीने हुए। लेकिन अब अगर प्रीवियस टाइम में चले जाते हैं हम, यानी 2023 बैच की वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो उसके लिए एग्जामिनेशन की डेट थी 8 से 11 जुलाई 2023। और उसके लिए जो आपकी एग्जामिनेशन की रिजल्ट आई थी, आईनेट एग्जाम का रिजल्ट रिलीज करा था इंडियन नेवी ने, वो डेट थी 17 अगस्त 2023। आप मैं देख सकते हो आपके साइड में आपको देखने को मिल जाएगा वो डाटा आपकी स्क्रीन पर। तो वहां पर क्या था, कितने दिनों का गैप हुआ, 11 जुलाई लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन की, वहां से 11 अगस्त तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन 6 दिन डिले के साथ 17 अगस्त 2023 को इन्होंने रिजल्ट को रिलीज करा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं कि इस बार क्या हुआ है। तो इस बार 9 जुलाई 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 के बीच में इंडियन नेवी ने एग्जाम को कंडक्ट कराया। अब वहां से अगर हम देखते हैं तो 15 जुलाई से 15 अगस्त 1 महीने हो गए, लेकिन 6 दिन अगर और ऐड कर देते हैं हम, अगर डिले होती है तो 36 दिन हुए, यानी कि 21 अगस्त 2024। तो ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि 21 अगस्त तक आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए या फिर 25 के अंदर ही, यानी 25 से पहले पहले आपको आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं करेगी इंडियन नेवी और पूरे चांसेस हैं कि आपको 15 से 21 के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अगस्त में, ठीक है। ये बात हो गई रिजल्ट डेट की। अब बात करते हैं स्टेज टू की। तो स्टेज टू 28 से 31, मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूं कि किस डेट से स्टेज टू स्टार्ट हुई थी, लेकिन इन्हीं डेट्स के बीच में 28 अगस्त से 31 के बीच में स्टार्ट हुई थी। यानी ये हम बोल सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के बाद 1 से 2 हफ्ते के भीतर, 1 to 2 weeks के अंदर आपकी स्टेज टू स्टार्ट हो जाएगी। और स्टेज टू प्रॉपर ढंग से कुछ दिनों का टाइम लेकर कंप्लीट कराया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। तो अगर आप लोगों के मन में इन सभी चीजों को लेकर डाउट्स थे तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहने वाली है। अब थोड़ी सी बात कट ऑफ के ऊपर भी हम कर ही लेते हैं। तो इंडियन नेवी के लिए गर्ल्स की कट ऑफ अलग रहेगी और बॉयज की अलग रहेगी। उसमें भी स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगी, अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग ड्यूटीज की कट ऑफ अलग रहेगी, बॉयज की भी गर्ल्स की भी। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, कट ऑफ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, फ्लैक्चुएट भी करेगी तो बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर इधर उधर होने के चांसेस हैं। बाकी कट ऑफ लास्ट टाइम की तरह ही रहेगी। कट ऑफ के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूं, लेकिन अगर वो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, सपोर्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ये वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ गए तो आने वाले टाइम में जल्दी ही आपको एमआर की और एसएसआर की सेपरेट वीडियोस मिलेंगी कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले लाइक कर देना, फिर कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से हो, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना दूर दूर तक जहां भी कर सकते हो। उसी के साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का भी, ग्रुप का भी। और उसके साथ
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।